हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक ट्रैवल ब्लॉग लेके आई हूँ। ये फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 हम लोग गए थे नॉर्थ बंगाल डुअर्स के जंगल पे। 3 प्लेसेस हम लोग विजिट किए हैं वहाँ पे, एक्चुअली जंगल विजिट किए हैं हम लोग वहाँ पे। तो उसका एक कुछ एपिसोड्स में मैं आपके सामने ये ब्लॉग लेके आऊँगी। सबसे पहले हम लोग कोलकाता से गए न्यू माल जंक्शन स्टेशन। न्यू माल जंक्शन स्टेशन से हमारे जो बुकिंग था जिस होटल पे, कॉटेज पे हम लोगों ने बुकिंग किए थे, समसिंग पे, जो कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट में है, संतली खोला रिवर के पास, संतली खोला कॉटेज। तो वहाँ से हमारे लिए गाड़ी भेजा गया, हम लोग उसी गाड़ी पे अभी कॉटेज पे जा रहे हैं। रास्ते पे देखिए आप इसका जो ब्यूटी है, नेचुरल, मतलब अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल जो ब्यूटी है। और ये है गुडरिक के जो चाय है ना, उस गुडरिक चाय के टी गार्डन है ये। मतलब मैंने अभी वीडियो पे इतना ज़्यादा तो शो नहीं कर पाई, कुछ हद तक आपको दिखाए है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके। अभी फिर इतने रास्ता जाने के बाद हम लोग एंटर कर गए समसिंग में, जो संतली खोला कॉटेज के पास लेके जा रहे हैं। और वहाँ का वो जंगल एरिया शुरू हो गया, वो डेंस थोड़ा सा जंगल एरिया ही है। वहाँ पे आसपास कोई गांव नहीं है, कोई विलेज एरिया नहीं है। स्टेशन से निकल के 1.5-2 घंटे में हम इस जंगल एरिया में एंटर कर गए। तो आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, मैं थोड़ी देर तक चुप रहूँगी। जो जंगल का जो एक साउंड होता है ना, अब जस्ट वो साउंड को महसूस कीजिए। थोड़ा सा ईयरप्लग नहीं तो लगा लीजिए, तो ईयरप्लग लगा के आप सुनिए। उसके वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सब एक साथ, और साथ के साथ ये संतली खोला रिवर आप देख पा रहे हैं, उस रिवर के भी जो आवाज़ है ना पानी का, वो सब मिला के एक भयंकर सा आवाज़, मुझे बहुत ही भयंकर ही लगा। थोड़ा सा हॉन्टेड हॉन्टेड फीलिंग आया मुझे। तो आप भी थोड़ा सा फील कीजिए, मैं थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलूँगी अभी। अब साउंड आप फील करने का कोशिश कीजिए, जंगल का साउंड कैसा होता है। ये वाला नंबर ये है मेरे दोनों बेटे आर्यन शौर्य, ट्विन हैं वो लोग, अभी क्लास 9 पे है। बट इन लोगों को मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं आया अभी तक, दोनों अभी भी बच्चे जैसे लड़ते हैं। कौन विंडो साइड में कौन बैठा था, वही अभी डिस्कशन चल रहा है कि कौन विंडो साइड में अभी बैठ के आए हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं निकलूँगा तो मैं विंडो साइड में बैठूँगा, तो वो उन लोगों का डीलिंग चल रहा है। और नीचे से ये संतली खोला रिवर का आप व्यू देख पा रहे हैं और उसकी आवाज़ को महसूस कीजिए। फिर हम लोग, ये छोटा सा एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके थोड़ी देर तक पैदल जाके, मतलब 1 मिनट डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस करके, फिर हमारा वो कॉटेज है, वो कॉटेज में हम लोग जाएंगे। इस ट्रिप में मैं अपने दोनों बेटे के साथ और मेरी दीदी और जीजू के साथ हम लोग घूमने गए थे। बहुत ही, मतलब एक हेटे मुझे एहसास हुआ कि जंगल का जो एक माहौल होता है, वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट होते हैं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने लाइफ में। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, इस जंगल में सफारी करना, विजिट करना। मैं सभी धीरे धीरे लेके आऊँगी सभी एपिसोड। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। কোথায় যাচ্ছিস? এদিক দিয়ে, এদিক দিয়ে আমাদের এটা না, ওদিক দিয়ে যাচ্ছে কেন? ওদিকে জোক থাকবে। क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो हम, मेरे ब्लॉग में आप लोगों को कुछ बंगाली कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगा। जो मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं उनको तो पता चल जाएगा, जो मेरे अदर लैंग्वेजेस के व्यूअर्स हैं, मोस्टली हिंदी, उनको तो पता नहीं होगा। बट उनके लिए मैं ऐसे वॉइस देती रहूँगी, आप सुनते जाइए। क्योंकि जब ब्लॉगिंग करते हैं ना, आपस में जब कन्वर्सेशन करते तब दिमाग में वो नहीं रहता कि अच्छा हिंदी में भी कुछ बात कर लिया जाए, वो होता नहीं है। तो इसलिए मैं वॉइस देती रहूँगी। तो अभी हम लोग वो ब्रिज से क्रॉस करके, ये रिवर जो है ना, ये रिवर क्रॉस करके फिर हम लोग अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहे मेरे ब्लॉगिंग चैनल के साथ। ये जो अभी आवाज़ आपको सुनने को दे रही है, ये रिवर की आवाज़ है, पानी का आवाज़।
देखने में ऐसे है, ये जो बारिश का मौसम आएगा तब बहुत ही ज़्यादा वो उसमें पानी भर जाते हैं। देखिए वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस था, कुछ नहीं था, कोई अलग सा कोई गाड़ी का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड ये पानी की आवाज़। आप खुद ही महसूस कर पा रहे जैसे कितने नॉइजी हो गए ना वीडियो, ऐसे आवाज़ हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद लगा लीजिए इवनिंग टाइम पे मेरा ना सर जैसे अचानक से भारी हो गए वो साउंड से। लिटरली मुझे लग रहा था मुझे थोड़ा सा मतलब बिना साउंड के कुछ अगर मिले, मतलब रात होते इवनिंग टाइम से लेके आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वो वीडियो नहीं बनाई इवनिंग का रात का, आप बिलीव नहीं करेंगे वो आवाज़ इतना ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गया था कि मेरे सर भारी हो गए। और जब मैं यहाँ पे गई तब मेरे तबीयत भी ख़राब था, थोड़ा सा जुकाम था, और जाने के बाद वहाँ पर ठंडा, उतना ठंडा तो मौसम था नहीं, बट क्योंकि मुझे फेवरिश था तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा कॉटन जैकेट और थोड़ा सा एक स्टोल लेके मुझे कवर अप करना पड़ा मुझे मेरे नेक थ्रोट एंड लाइक कान वगैरह ये सब। तो मुझे तब ना लग रहा था कि हाँ आई वांट सम पीस, पीस इन द सेंस पीस में ही हूँ मैं, बट इंसेक्ट्स की इतनी भयंकर आवाज़ होता है रात के टाइम पे स्पेशली, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अनबिलीवेबल, इट्स एन लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे भी हो सकते हैं। ये है वो ही नेचर रिसोर्ट संताली खोला। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो लिखे हुए है बी अवेयर ऑफ दैट बियर, उसका है कि यहाँ पे जो हमें बताया गया कि अराउंड 8 months बैक, आप एक बार ग्रीन को महसूस कीजिए फिर मैं स्टोरी बताती हूँ। 8 months बैक वहाँ पे कुछ ऐसे भालू आ गए थे नियर बाय कुछ विलेजेस पे, जो आके अपने जो वहाँ पे तहस नहस करके गए थे। तो इस वजह से तब से लेके ये लोग इसको थोड़ा सा सबको थोड़ा सा अवेयर करके रखे हैं, जगह जगह पे ये नोटिस लगा के रखे हैं। तो ये देखिए ये है कॉटेज, पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, और ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉटेज है, राइट। एंड ये देखिए टेंट हाउस है, ये टेंट है रिवर कैंप संताली खोला रिवर कैंप टेंट, जो रिवर कैंप करने आते हैं वो लोग इस टेंट पे रहते हैं, और हम लोग रुके थे वो जो आप छोटे छोटे कॉटेज देख रहे हैं वहाँ पे, बट हमने इंडिपेंडेंट कॉटेज नहीं लिया। ये है डाइनिंग स्पेस, वहाँ का डाइनिंग स्पेस से यही भी छोटा सा ऑफिस भी है, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं ना वो लोग लीज़ पे लेके इसको मेंटेन करें, वेल मेंटेन्ड, और मतलब इतने रिमोट एरिया पे भी वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, मतलब जो भी चाहिए था वो सब कुछ प्रोवाइड करने का कोशिश किए हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था उन लोगों का, खाना पीना गर्म पानी, सिर्फ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो लाइट का प्रॉब्लम है उनका यही है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वो लाइट नहीं होते हैं। और वो देखिए हमारा वो कॉटेज, डबल कॉटेज जो हमने लिए है, डबल कॉटेज में मतलब एक ही कॉटेज डबल सूट है उसमें, वो सुपर डिलक्स कॉटेज था। और ये जो है ना वो साथ में ये छोटे छोटे जो सिंगल सिंगल रूम वाला देख रहे हैं ये है डिलक्स जंगलर मध्ये। तो हमने हमें क्योंकि हम लोग 5 जन थे तो हम लोग सुपर डिलक्स वो डबल कॉटेज वाला वो बुकिंग किए थे। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, सीरियसली मुझे अभी वॉइस देते देते मुझे लग रहा है कि मैं अगर दौड़ के एक बार जाके घूम के आ सकती। ये मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एपिसोड 2 पे मैं लेके आऊँगी, ये कॉटेज का टूर करवाऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए यही तक, मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।